हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल थ्री एंजल्स ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में लेके आए हैं एक टेस्टी सी रेसिपी, जैसे कि आप ब्रेकफास्ट में या फिर बच्चों के लिए टिफ़िन बॉक्स में बना सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है आलू, बॉयल कर लिए हैं और फिर आलू को मैश कर लिया है। और आलू को अच्छे से मैश करने के बाद फिर हम ले लेंगे, मैंने 2 घंटे पहले ही साबूदाना भिगो के रखी हुई थी, उसको धो के भिगो के रखा था, तो उसको ले लेंगे और उसको अच्छे से उसका पानी निकालने के बाद उसको उसमें मिक्स कर लेंगे। आलू और साबूदाने को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर इसके ऊपर हम कुछ मसाले ऐड कर लेंगे, जैसे कि हल्दी, धनिया, हरी मिर्च, हरा धनिया और जो भी मसाले आप डालना चाहें, जैसे जीरा पाउडर वगैरह, हींग। और उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दी थी, क्योंकि कसूरी मेथी तो मेरी फेवरेट है, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सब डालने के बाद फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करने के बाद फिर हम अपने हाथों में तेल लगा लेंगे और इस तरह से इसके गोल गोल से टिक्कियाँ बना लेंगे। आसानी से बन जाती हैं, कोई ऐसे चिपक नहीं रही थी, आसानी से बन गई थी। आप देख सकते हैं मैं कैसे बना रही हूँ। इसके बाद फिर जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, धुआं निकलने लग जाए, तो इसमें हम इसको तलने के लिए इनको डाल देंगे और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको कुक करेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पे जलने का रहता है, तो अंदर से अच्छे से पकती नहीं और बाहर से जल जाता है। तो इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही मैंने पकाया और आराम से इसको अच्छे से सेकते हुए इसको पका लिया। तो काफ़ी अच्छे से बन जा रही थी, काफ़ी आसानी से, आप देख सकते हैं। जल्दी इनका कलर चेंज हो जाता है, जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसको इसी तरह से 2-3 बार पलटने के बाद ये अच्छे से बन गई हैं। काफ़ी अच्छी सी, खाने में काफ़ी कुरकुरी सी हुई थी। ये देख लीजिए, ये मैंने बच्चों के लिए लगा दिया। बच्चों को मैंने मॉर्निंग में दिया था ये ब्रेकफास्ट में, तो बच्चे दूध ही पीते हैं, दूध के साथ। और आप चाहें तो इसको बच्चों के लिए टिफ़िन में, लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं, मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। इस तरह से हम और भी बना लेंगे और हमारी पूरी फैमिली का ब्रेकफास्ट हो गया था। आप चाहें तो ये काफ़ी जल्दी से बन जाता है, कभी भी शाम की चाय के साथ भी आप इन्हें बना सकते हैं। जब भी भूख लगी तो साबूदाना सौटे करके रख दीजिए और आलू बॉयल करके रख लीजिए और जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पे मैंने बच्चों को दे दिया, बच्चे बता रहे हैं कि काफ़ी टेस्टी बने, बच्चों को बहुत पसंद आए। और जब मैंने इन्हें ट्राई किया तो काफ़ी अच्छे सॉफ्ट बने थे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।